छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की है। उन्होंने ईडी और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और ईडी मिले हुए हैं। सीएम ने कहा कि ईडी की प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होती है, यहां पहले रमन सिंह पहले जानकारी जारी कर देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जहाँ कहती है कि ईडी वहीं रेड डालती है। एक भी बीजेपी नेता के यहाँ अब तक रेड नहीं पड़ी है, ईडी को कैसे पता कि कौन बीजेपी का है और कौन कांग्रेसी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ईडी और बीजेपी का गठबंधन है और ईडी उनके एजेंट के रूप में काम कर रही है। बीजेपी ने उन्हें अभेदान देकर भस्मासुर बना दिया है। अगर ईडी गलत करती है तो उन पर कार्रवाई कौन करेगा? उनके खिलाफ शिकायत कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे लेकिन ईडी वहां से और पावरफुल होकर निकल गई। ये लोग निरंकुश हो चुके हैं। ईडी के अधिकारी कुछ भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं। इसमें मानव अधिकार वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर शिकायत करेंगे तो उनके खिलाफ केस बनाकर बिठा देंगे। सीएम ने कहा कि जैसे भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था, वैसे ही उन्होंने ईडी को दिया है। संभावना है कि ईडी ही वरदान देने वालों के पीछे ही ना पड़ जाए। जो अति है उसका अंत होता है, पाप का घड़ा अभी बचा है, जैसे ही लबालब होगा छलकना शुरू हो जाएगा। प्रदेश में ईडी की लगातार कार्रवाई को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधते हुए कहा कि जैसे गली मोहल्लों में लोग घूमते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ के गली मोहल्लों में ईडी और सीबीआई घूम रही है। उन्होंने कहा कि पहले ईडी के पहुंचने पर लोग सोचते थे कि प्रतिष्ठा कम हो गई है, लेकिन अब कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद सब रायपुर आएंगे और पूरा टारगेट छत्तीसगढ़ होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते हैं, इधर चल लेते हैं, इधर रास्ता दिखाए तो उधर, इधर रास्ता दिखा देते हैं, वो वहीं जाते हैं। तो कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जाँच कौन करेगा? कहाँ शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे दिया गया, भस्मासुर बन गए जो ईडी के अधिकारी हैं। वो कुछ भी कर ले, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना दे दे पानी नहीं दे रहे हैं, कि शुगर पेशेंट है उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब अब ये अब इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे। शिकायत करेंगे तो उन्हीं खिलाफ उनको बिठा देंगे, उनको इतना पावर मिला हुआ है। तो ये भस्मासुर है और भस्मासुर किसी दिन कहीं भगवान शिव को ही पीछे लग जाए, कोई नहीं दिख रहा। अब पूरे विपक्ष के हम मार डाले, बचेगा कोई नहीं, तो भस्मासुर कहीं पीछे लग गए शिव भगवान के, तो फिर भगवान विष्णु भेजेंगे किसी को। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।